और पास अगर लेना है किसी को तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, और यहाँ से जैसे ही आप लोग सामने आएंगे तो पास आप लोग को इधर मिल जाएगा सामने के साइड में देखो। तो यहाँ पर भाई सब लोग घूमने आए थे और सब लोग यहाँ पर मिले तो सब फिर से बोल दो एक बार। चलो भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे कभी। चलो हाँ, पहले क्या था ना, पहले यहाँ से एंट्री थी, चावड़ी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ से एंट्री थी। अभी यहाँ पर सिर्फ सीनियर सिटीजन यानी कि जो उम्र वाले रहते हैं, उसके बाद में जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो यहाँ से जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ शिरडी में, और यहाँ पर देखो गेट नंबर 4 के पास मैं खड़ा हूँ, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग शिरडी में आते हैं तो किस तरीके से आप लोग दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर VIP पास लेके अगर दर्शन करना है तो वो कहाँ मिलेगा, वो सब सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को फ्री में दर्शन करना है तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ से मैं चलूँगा अभी चावड़ी के पास में जहाँ से फ्री में दर्शन होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और उसके बाद में अभी मैं चलूँगा जहाँ से VIP पास मिलता है, वो किस तरीके से जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, एक पार्क बना हुआ है मस्त, और देखो अभी इसका बहुत जल्द काम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ से ये गेट ओपन हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम लोग अंदर जाके पार्क में भी बैठ सकते हैं। और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसके बारे में, नो आइडिया। तो चलते हैं अभी फटाफट, आप लोगों को मैं सब कुछ बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आप लोग अगर शिरडी में आते हैं और साईं बाबा का दर्शन करने के लिए तो यहाँ से कैसे जा सकते हैं दर्शन करने, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ से आप लोगों को प्यारा सा मंदिर का नज़ारा दिख रहा है देखो यहाँ पर, और चलते हैं। और यहाँ पर अंदर के साइड में भाई एक दरगाह भी है, और अगर आप लोग वहाँ पर दर्शन करेंगे तो दर्शन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और दरगाह होते हुए आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी LED स्क्रीन लगी हुई है। साईं बाबा का लाइव वीडियो आप लोगों को दिखेगा, अगर आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं और अगर कुछ यादें आप लोगों को लेके जाना है तो यहाँ से फ़ोटो खिंचवा के लेके जा सकते हैं। ये भी एडिट करके देते हैं कि ये लाइव सिर्फ ये वाला, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम है भाई आपका? विशाल। विशाल, अच्छा मुझे ये जानना था VIP पास से जो दर्शन करते हैं वो किधर पे है? मेन रोड से राइट। अच्छा मेन रोड से राइट, यहाँ से जाऊँ? और ये चावड़ी से नहीं जा सकता? उधर से भी जा सकता, घूम के जाना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर भाई सब लोग घूमने आए थे और सब लोग यहाँ पर मिले तो सब फिर से बोल दो एक बार। चलो भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे कभी। चलो हाँ चलो। दिखाऊंगा कि VIP पास किधर मिलेगा, बाकी चलते हैं अभी यहाँ से सीधा सीधा, और आप लोगों को मैं सब कुछ समझा दूंगा कि भाई कैसे जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग VIP से जाते हैं तो उनको भी मैं दिखा दूंगा कि VIP पास किधर मिलेगा। और फ्री में जो जाते हैं उनको तो मैं बता ही रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ये सब पूरी मार्केट है, और मार्केट का भी मैं एक स्पेशल व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि मार्केट में अपने को क्या कुछ मिलेगा, क्या रेट में मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इधर ही बाजू में द्वारका माई भी है, और वहाँ से आप लोग आ सकते हैं अंदर और यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और इसके अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है, बाकी ये द्वारका माई का मंदिर है तो इसके अंदर भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं अगर यहाँ पर शिरडी में आप लोग आते हैं तो। देखो इतनी सारी भीड़ है भाई, और आज पूर्णिमा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही क्राउड है। देखो ये द्वारका माई है और वहाँ से एंट्री है आगे से, और ऐसा आ सकते हैं और जाके दर्शन कर सकते हैं। पर हम लोग आए थे और साथ में मामू है, तो मामू आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं जरा सुनो। भाई लोग आप कभी बाबा के दर्शन को कभी आना चाहोगे तो ठीक है, आपका ये जो दिख रहा है आपको ये मेन गेट ठीक है, यहाँ से इस तरह से भी एक रास्ता है, यहाँ से आप कभी आओगे तो यहाँ से एक मेन हाईवे है और यहाँ पे लॉजिंग वगैरह है,
और लॉजिंग वगैरह के बाद में इधर से भी रास्ता, आप इधर से भी आ सकते हो और एक इस साइड से भी रास्ता है। तो आएंगे तो मतलब आपको चावली पे आना पड़ेगा, एक चौराहा है, बाकी मेन एंट्री अपनी बाबा के दर्शन के लिए VIP भी है और फ्री वाली भी है। मंदिर का नज़ारा भी देखो भाई, कितना बढ़िया है और कितना शानदार है। तो यहाँ पर आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। बाकी मामू ने अच्छी जानकारी दी, पूरा रास्ते के बारे में बताया। अभी हम लोग यहाँ पे मेन गेट से अंदर चलेंगे और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे जाना है। और अंदर के साइड में प्रसाद वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी मंदिर के अंदर आप लोग प्रसाद लेके नहीं जा सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी वाला रहेगा ना वो आपसे वो निकलवा देगा, या आप कुछ भी लेके जाते हैं, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, तो वो सब अंदर मंदिर में नहीं लेके जा सकते। यहाँ से मेन गेट से अपना एंट्री होता है। उसके बाद में मैं चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पर है जो फ्री में जा सकते हैं और मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर देखो रास्ते में इस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा नीचे देख के चलना चाहिए, पैर वैर ना लगे, क्योंकि भाई हर एक धर्म का अपना एक रूल होता है। और यहाँ पर देखो ये एक भी एक मंदिर है, और यहाँ पर भी आप लोग हनुमान का मंदिर है, तो यहाँ पर भी आके आप लोग दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जगह जगह पे आप लोग देखो, यहाँ पर जगह जगह पे LED स्क्रीन लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो प्रसाद यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा, जो कि 10-10 रुपये में प्रसाद मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर चाय वगैरह भी चाहिए तो वो भी मिलता है। उसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जाना है, नाश्ता चाय वगैरह, तो मेरा इसके पहले वाला व्लॉग आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताया हूँ 5 रुपये में नाश्ता कितना मिलता है। और उसके बाद में उसमें मैं ये भी बताया हूँ कि 2 रुपये वाली चाय किधर मिलती है और 5 रुपये वाला नाश्ता किधर मिलता है। तो जाके पहले वाला व्लॉग देख लेना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले क्या था ना, पहले यहाँ से एंट्री थी, चावड़ी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ से एंट्री थी। अभी यहाँ पर सिर्फ सीनियर सिटीजन यानी कि जो उम्र वाले रहते हैं, उसके बाद में जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो यहाँ से जाते हैं। बाकी और दिखाता हूँ मैं आगे के साइड में, अभी वहाँ से पूरा रास्ता हो गया है, तो अभी वहाँ से चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ से जा सकते हैं VIP का, उसके बाद नॉर्मल सब जो भी है आगे ही है, तो वहाँ पर चल के देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे भाई, तो यहाँ पर VIP का जो पास का है, पास की एंट्री यहाँ पर है और वहाँ से जा सकते हैं। पास जिसके पास रहेगा वो वहाँ से जा सकते हैं, और नॉर्मल का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो पास वाले हैं ना, उनकी एंट्री है इस गेट से जा सकते हैं वो। और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे के साइड में जो फ्री वाला है वो कहाँ से एंट्री है। बाकी जितने भी लोग यहाँ से भी जा रहे हैं ना, ये सब पास लेके जा रहे हैं, और पास का क्या प्राइस है वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ किसी से पूछ के। बाकी अगर यहाँ पर आप लोग आएंगे ना, तो जगह जगह पे लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बाकी इस बिल्डिंग में से देखो अंदर जाने के बाद में ये ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज से फिर वहाँ पे वो बाजू में जाएंगे और वहाँ से फिर दर्शन होगा। तो चलते हैं आगे के साइड में, और ये देखो यहाँ से बहुत सारी एंट्री है, तो वो सब चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बाकी VIP का उधर ही है, आप लोग चावड़ी से आएंगे तो ये वाला रास्ता पकड़ के सीधा सीधा आ सकते हैं। तो चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फ्री की एंट्री कहाँ से होती है। फ्री में जिनको दर्शन करना रहता है वो यहाँ से जाते हैं। और देखो यहाँ पर पेड पास, यानी कि ये पास का काउंटर इधर पे है, और पास अगर लेना है किसी को तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। और यहाँ से जैसे ही आप लोग सामने आएंगे तो पास आप लोग को इधर मिल जाएगा, सामने के साइड में देखो इधर पे देखो ये पास का काउंटर है, तो यहाँ पर आप लोग जाके अंदर पास ले सकते हैं। D3 लिखा हुआ है, गेट नंबर 3, अंदर जाओ और पास लो। और उसके बाद में आगे यहाँ से पास लेने के बाद में उधर से घूम के आप लोग एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ से चल दो। और देखो हर जगह पे यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। मैं आप लोग को कि अभी किधर पे जो फ्री में जिनको जाना रहता है, जिनको पास नहीं लगता है, तो वो कहाँ से एंट्री कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अभी ये गेट नंबर 2 आ गया, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गेट नंबर 1 से एंट्री होगी, और 1-2 यहीं पर लिखा हुआ है। लोग
यहाँ पर आप लोग एक नंबर और दो नंबर गेट से फ्री में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, और उसके बाद में अगर आप लोगों को वीआईपी पास लेके अंदर जाना है तो उसका 200 रुपया पर पर्सन का चार्ज है, और वो तीन नंबर गेट से आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे ही दिखा दिया। बाकी यहाँ पर दो नंबर गेट है, यहाँ से भी फ्री में जा सकते हैं, और इधर के साइड में एक नंबर गेट है, यहाँ से भी फ्री में जा सकते हैं। और अभी दर्शन के लिए भाई क्राउड बहुत ज़्यादा कम है, और वैसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। जब पहले वहाँ पे जहाँ पे चावड़ी के पास में था ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता था, और यहाँ पर देखो एकदम खाली है, और अभी खाली है ना, बाद में एकदम फुल हो जाएगा। और अंदर कैमरा मोबाइल ये सब कुछ भी लेके नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पर देखो ये गेट है, यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं फ्री में। और उसके बाद में वीआईपी का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, 200 रुपया पर पर्सन चार्ज है, तो आप लोग वीआईपी में जाना चाहे तो जा सकते हैं। बाकी भोजनालय जाना है तो यहाँ से सीधा चले जाओ, भोजनालय आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का रोड पे बोर्ड दिखेगा, अगर आप लोग गाड़ी से आते हो ना तो मेन रोड पे ही आप लोगों को ऐसे दर्शन का गेट देखने मिल जाएगा, जो कि वहाँ पर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर इस तरीके से है, और एक नंबर दो नंबर फ्री है, और तीन नंबर पे आप लोगों को पेड पास मिलेगा, 200 रुपया पर पर्सन है, और वहाँ से आप लोग लेके अंदर जा सकते हैं। बाकी अंदर से पूरा लगता है मुझे जैसे पहले था ना, वो घूम घूम के पूरा जाने के बाद में वहाँ से जो एंट्री है, मैंने ब्रिज दिखाया, वहाँ से अपने को वो बाजू में चले जाएंगे, फिर वहाँ पर जाके दर्शन होगा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को रोड के किनारे खड़े रह के दिखाया, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्स है। अभी चलते हैं साइड में और थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे नाश्ता वगैरह। देखो जैसे यहाँ पे होटल वगैरह बहुत सारे हैं, तो आके आप लोग यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। बाकी और आगे चलते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा प्रसाद वगैरह का दिखाते हैं कि प्रसाद 10 रुपये में किधर मिलता है, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोग को इसी व्लॉग में बता देता हूँ, ताकि अगर आप लोग कभी आए यहाँ पर तो आप लोग प्रसाद भी यहीं पर ले सकें। बाकी अंदर के साइड में आप लोग कोई भी प्रसाद लेके नहीं जा सकते हैं भाई, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया और इधर भी बता रहा हूँ, क्योंकि अंदर के साइड में कुछ भी अलाउड नहीं है, ना कैमरा ना मोबाइल ना घड़ी ना कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। और वीआईपी में अगर जाना है तो भी कुछ भी लेके नहीं जा सकते। वीआईपी का फ़ायदा ये है कि वीआईपी में आप लोगों को ना जल्दी पहुँचा देते हैं, वहाँ एक अलग से रास्ता बना हुआ है, 200 रुपया पर पर्सन है, तो वो अलग से आप लोग जा सकते हैं, फटाफट पहुंच जाएंगे वहां पर। यहां पर ये तीन नंबर गेट है और यहां से आप लोगों को पास मिलेगा, D3 नंबर है, और तीन नंबर गेट तो बहुत सारा है लेकिन D3 आप लोग याद रखना। और यहां पर पेड पास मिलेगा 200 पर पर्सन, तो यहां पर आप लोग आके अपना वीआईपी पास लेके अंदर जा सकते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद में यहीं पर प्रसाद मिलता है 10-10 रुपये में पर पैकेट, आप लोगों को 10 रुपये में मिलेगा इधर ही पास में। अगर आप लोग ये दर्शन के लिए आते हैं तो यहीं पर आप लोगों को पास में ही मिल जाएगा। देखो बहुत सारे यहाँ पर गर्दी दिख रहा है ना कोने पे, और यहीं पे आप लोगों को सब मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को और बता देता हूँ। और क्राउड भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूर्णिमा है आज, और इसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी है, और मुझे पता नहीं था कि ये कोई फेस्टिवल है, नहीं तो मैं थोड़ा रुक के यहाँ पर आता। और मैं बस ऐसे ही नॉर्मली घूमने के लिए आया था, तो ऐसा मौका मिला कि आप लोगों को दिखाऊं ये सब। यहाँ पर देखो प्रसाद मिलता है 10-10 रुपये में, यहाँ से प्रसाद लेके फिर आप लोग जा सकते हैं अंदर। और ये पूरा मेन रोड है, मेन रोड के बाजू में ये सब है। बाकी अंदर के साइड में मार्केट के साइड में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप लोगों को प्रसाद वगैरह मिलता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।